गाइस, जलाराम मंदिर, चेन्नई का जलाराम मंदिर। ये जलाराम मंदिर स्थित है जलाराम भवन में, एकांबेश्वर कोयल स्ट्रीट है ना, वहाँ पे ही है। सौकार पेट में ये माता जी, श्रीनाथ जी और राधे कृष्ण, गणेश जी, राम, सीता, लक्ष्मण जी, दरियालाल जी, माता जी। शिवाय आवो, ऊपर आवो। शिवाय शू करस? शिवाय नजर उतार रही है मेरी। बस हो गया, जाओ अब डाल क्या वॉश बेसिन में। कितनी बार उतारोगे नजर मम्मा की? हो गया, जाओ। हाँ बेसो, आप ओपन करो। शिवाय कहाँ गए थे अभी आप? जलाराम मंदिर। बोलो, जलाराम मंदिर गए थे? तो ये आपको गिफ्ट कहाँ से मिला? जलाराम मंदिर से मिला। क्या है उसमें? खोलो। चॉकलेट नहीं है? आप खोलो, पता चलेगा। आओ इधर आओ। आपने प्रसादी खाया ना जलाराम मंदिर में? क्या क्या खाया? पूरी। शिवाय आपको क्या मिला? क्या है ये? जलाराम बापा। दिखाओ, यहाँ दिखाओ मूर्ति, ऐसे दिखाओ, ऐसे दिखाओ। अरे उसको खोलना नहीं है। ये मूर्ति हमें जलाराम मंदिर से गिफ्ट मिली है। शिवाय क्या है ये? जलाराम बापा। इनो खोला है। हेलो गाइस, कैसे आप सब? होप करती हूँ एकदम अच्छे होंगे। मैं अभी अच्छी हूँ। मैं 3-4 दिन से मेरा तबीयत ठीक नहीं था। अभी भी मेरा वॉइस पूरा क्लियर नहीं है। मुझे फीवर और कफ और कोल्ड हो गए थे, उसके वजह से मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था। मैंने आई थिंक लास्ट संडे को ही ब्लॉग बनाया था, उसके बाद मैंने ब्लॉगिंग नहीं किया। और मैंने कल एक ब्लॉग डाला था, वो पहले का ब्लॉग था, क्योंकि मुझे पेशेंस ही नहीं था ब्लॉग बनाने का। और आज हम लोग गए थे जलाराम मंदिर। आज थर्सडे है, आज है 15 सितंबर। और आज मम्मी पापा गए हैं आउट ऑफ स्टेशन। आउट ऑफ स्टेशन क्या, आउट ऑफ कंट्री गए हैं। और हम लोग आज जलाराम मंदिर गए थे, हमारे तरफ से प्रसाद था वहाँ पे। सो ऑल ऑफ सडन प्लान हो गया। हम अभी प्रसाद लेके जस्ट घर आ रहे हैं। अभी बज रहे हैं आई थिंक 9 बज रहे हैं, हाँ 9:30 बज रहे हैं रात के। और हमें ये मूर्ति मिली जो मैंने आप वीडियो में डाली है, जलाराम बापा की, बहुत ही सुंदर मूर्ति है। गाइज डू विजिट जलाराम मंदिर जो है, जलाराम भवन में एकांबेश्वर कोयल है, उसके बगल में ही गली एकांबेश्वर कोयल स्ट्रीट ही बोला जाता है, मिंट स्ट्रीट में, सौकार पेट में। ज़रूर विजिट करिए। और बस मुझे तो पहले से ही बहुत जलाराम बापा के ऊपर बहुत ट्रस्ट है। मतलब ट्रस्ट मतलब मैं सब भगवान को मानती हूँ, पर मुझे ज़्यादा जलाराम बापा के ऊपर बहुत ज़्यादा है। प्लीज़ इग्नोर द क्लोथ्स, वो हैंगिंग है गेट के पीछे ही, तो हमारे नाइट ड्रेस वगैरह हम लोग हैंग कर देते हैं कभी कभार। मुझे बचपन से बहुत है जलाराम बापा का, बहुत मतलब बहुत है। इवन जब शिवाय बॉर्न हुआ उस टाइम पे भी मैंने अपने लेबर में अपने हाथ में जलाराम बापा का वो छोटा सा फ़ोटो होता है ना, वो रखा था। मुझे बचपन से बहुत मतलब एक होता है ना अंदर से कि हाँ ये चीज़ भगवान से एक कनेक्ट बहुत अच्छा है मेरा, मतलब क्या बोलूँ, उनसे मेरा थोड़ा मान्यता मेरी ज़्यादा है जलाराम बापा के ऊपर। मैं सब भगवान को मानती हूँ इक्वली, लेकिन एक जलाराम बापा के ऊपर
मुझे थोड़ा कुछ भी होने से ऐसे मन में भगवान का थॉट पहले आता है। सब भगवान इक्वल है, मैं बिल्कुल वो नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक अपना अपना एक होता है ना, तो मुझे जलाराम बापा के ऊपर थोड़ा ज़्यादा है, मैं बहुत मानती हूँ। और बस आज मैं और कुछ ज़्यादा तो व्लॉगिंग नहीं की, बस अभी स्टार्ट हुआ। इसके पहले का व्लॉग में डाल इसके पहले का थोड़ा सा क्लिप मैं डालूंगी। मैं मेरी जब तबीयत ख़राब थी तो मम्मी, मेरी सासू माँ ने मेरी नज़र उतारी थी, तो उनको देख के शिवाय ने भी मेरी नज़र उतारी थी, वो वीडियो भी मैंने लिया है। उस टाइम पे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे फीवर था, वो ऐड करूँगी। और हाँ, मैं हवन का वीडियोस भी ऐड करूँगी। एक्चुअली मैंने नहीं किया था, मैं मेरी तबीयत के कारण मैंने एडिटिंग नहीं कर पाई थी, तो वो हवन भी जलाराम भवन में ही हुआ था। और गाइस, मैंने हवन के वीडियोस भी अपलोड नहीं किए हैं, मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगी। वो हवन ऑर्गेनाइज जलाराम भवन में ही था, कथा आपका पूर्णावती के दिन वो हवन हुआ था। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट था, वो हवन ऑर्गेनाइज किया गया था जलाराम सेवा समिति के द्वारा इन एसोसिएशन विद संदीपनी साउथ इंडिया परिवार। काफ़ी अच्छा आयोजन था, बहुत ही सुंदर तरीके से पूरा भागवत सप्ताह का प्रोग्राम किया गया था। सब चीज़ एकदम वेल मैनेजमेंट था, वेल मैनेजमेंट किया गया था। और इवन यूट्यूब में भी वो टेलीकास्ट कर रहे थे कि जो भक्त वहाँ पे आके ना देख पाए, भागवत अटेंड ना कर पाए, उनके लिए वो सुविधा भी उपलब्ध थी। और जैसे कि आप सबको पता है, अभी नवरात्रि आने वाली है, तो नवरात्रि का भी बहुत सुंदर आयोजन होने वाला है। उसका अनाउंसमेंट मैं आपको डिटेल्स के साथ दूंगी। जी, ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये मेरे हाथ में फ्रॉग है, कल शिवाय को स्कूल से मिला है, तरसी वो यहाँ पे रखा, वो खेल रहा था तो मैंने हाथ में ले लिया, ताकि मैं उसको अच्छे से रख दूँ, है ना, वो फाड़ वाड़ देगा ना। उसके स्कूल से छोटी छोटी जो भी चीज़ें मिलती है, छोटा कुछ भी मिलेगा, मैं हर चीज़ को संभाल के रखती हूँ एक मेमोरी के तौर के ऊपर। ये मैंने एक क्ले का स्टार वो फर्स्ट टाइम बना के लेके आया था, वो भी मैंने संभाल के रखा है। सो गाइज, आगे का मैं जो भी होगा आपको फिर अपडेट दूंगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा गाइज। मैं एक चीज़ बोलना भूल गई थी कि जलाराम मंदिर में हर थर्सडे को शाम को प्रसाद का आयोजन किया जाता है, तो आप कोई भी भक्त जनों को इंटरेस्टेड हो वहाँ पे प्रसाद लिखवाने के लिए, तो आप लोग लिखवा सकते हो। अगर आपको किसी को इंटरेस्ट हो तो मुझे कमेंट करेगा, मैं आपको डिटेल्स दूंगी, वरना आप डायरेक्टली भी जलाराम मंदिर जाके बात कर सकते हो। तो बस ये इन्फॉर्मेशन भी देनी थी कि कभी आपको मन करे, कुछ ओकेशन हो या कुछ आपको करना हो, तो आप वहाँ पे प्रसाद लिखवा सकते हो अपने तरफ से। ये एक अच्छा तरीका है सेलिब्रेशन करने का मेरे हिसाब से। हाँ, हमें
पूर्ण फल प्राप्त करावजो। आ कार्य में कोई अपूर्णता हो तो पूर्ण कौन छे? भगवान। એટલા માટે હે પ્રભુ તમે પૂર્ણ કરજો, અમે તમને આ પુષ્પાંજલિ અર્પિત કરીએ છીએ। ગણેશ મહારાજની આગળ તમારા બધા દેવ દેવતાઓ પિતૃનું સ્મરણ કરી ચલાવી દો। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपने नहीं किया है। ओके गाइस, बाय। शिवाय बाय बोल दो। ओके ओके बाय।